जिला भर में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कई स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस उत्सव पर जिला भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बहिन शिवपुरी धाम समताना में 90 फीट ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। श्री राम भगवान के बाण से निकली आग ने पुतलों को धूं धूं कर जलाया। समताना का दशहरा पिछले 1.5 दशक से लंबे से अत्याधुनिक गुरु शेखर सुमन के नेतृत्व में महामृत्युंजय संस्था की ओर से आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के कई बड़े शहरों के मुकाबले समताना में सबसे ऊंचे पुतले जलाए जाते हैं। वहीं दशहरा महोत्सव से पहले शिवपुरी धाम में नवरात्रों में 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना और साधना शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग भाग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। सोलन के समीप धारों की धार में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप में करीबन 7 लोग सवार थे। ये सभी पास के गांव में एक शादी समारोह में जा रहे थे कि अचानक चढ़ाई में चालक पिकअप पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गाँव में इस खबर से मातम सा छा गया। खबर मिलते ही जिला प्रशासन भी क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचे और घायलों को फौरी राहत भी प्रदान की। इस मौके पर अस्पताल पर पहुंचे तहसीलदार गुरमीत सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वे मौके पर पहुंचे तो यहां पाया गया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश है उसकी मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिवार को 25,000 की फौरी राहत प्रदान की गई और वहीं घायल व्यक्ति को 5,000 की राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि अभी घटना किस कारणों के कारण हुई है इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जिला प्रशासन ने हमीरपुर शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई के दूसरे चरण में बस स्टैंड से आगे दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया। लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी की मदद से दुकानदारों द्वारा कब्जाई गई जमीन से कब्जे हटाए। कब्जे हटाने के बाद यहां पर फुटपाथ बनाया जाएगा। इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने पहले चरण में मिनी सचिवालय से लेकर नदौन चौक तक दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद विभाग ने मशीन से खुदाई कर फुटपाथ बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। अभी मिनी सचिवालय से नदौन चौक तक फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भोटा चौक से नदौन चौक तक विभाग ने दुकानदारों को नोटिस दिए थे, लेकिन उसके बाद भी दुकानदारों ने कब्जे नहीं हटाए थे। ऐसे में लोक निर्माण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे निशानदेही करवाई थी। इस निशानदेही में दुकानदारों के आगे विभाग की जमीन निकली थी, जिसे जेसीबी लगाकर समतल करवाया जा रहा है। अब विभाग सड़क किनारे फुटपाथ का निर्माण शुरू करवाएगा। हमीरपुर में इस मार्च से भी युवक निशान शर्मा ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ली गई आरटीआई के बाद डांग की क्वाली के पास रेस्टोरेंट के बाहर जमीन पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान निशान शर्मा ने आरोप लगाया है कि रेस्टोरेंट मालिक और उनके पुत्र ने इस मामले से गुस्सा होकर हमला किया और मारपीट की है, जिसकी शिकायत सदर थाना में की गई है। वहीं इन आरोपों को रेस्टोरेंट मालिक अशोक धमीजा ने सिरे से नकारते हुए इसे साजिश करार दिया है। निशान शर्मा का कहना है कि जब मैं अमन शर्मा की दुकान पर था तो अशोक और उसका बेटा वहां पर आया और मारपीट की, जिसकी शिकायत पुलिस थाना में की गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि
प्रशासन को जल्द अतिक्रमण वाली जगह को हटाना चाहिए। वहीं निशांत शर्मा के आरोपों को सिरे से नकारते हुए रेस्टोरेंट के मालिक अशोक धमीजा ने कहा कि एक साजिश के तहत निशांत शर्मा बदनाम करने के चक्कर में पूरी तरह से लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि निशांत शर्मा पिछले काफी दिनों से रेस्टोरेंट के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन मांग करे कि किसकी शय पर निशांत शर्मा ऐसा कर रहा है, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए। अशोक धमीजा ने कहा कि अगर निशांत समाज से भी है तो केवल मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि निशांत शर्मा ने रेस्टोरेंट के लिए चली हुई गाड़ियों को लेकर झूठी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस को पूरे कागजात दिए गए हैं, जिस पर निशांत की सारी शिकायतें झूठी निकली हैं।